न्यू चैप्टर आज स्टार्ट करना था और आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है इंश्योरेंस क्लेम। नाम से ही पता चल रहा है कि हम इंश्योरेंस क्लेम की बात कर रहे हैं, मतलब बिजनेस में कुछ मिस हैपनिंग हो गई है जिससे बिजनेस को कुछ नुकसान हो गया है और अब उसका क्लेम हम इंश्योरेंस कंपनी से मांगना चाहते हैं। ये जो टॉपिक है उसके अंदर आपको दो टाइप के क्वेश्चन फेस करने पड़ सकते हैं, एक वो जिसके अंदर आपके स्टॉक का नुकसान हुआ है, दूसरा वो जिसमें आपके प्रॉफिट का नुकसान हुआ है। तो ये जो चैप्टर है वो दो ब्रॉड पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है लॉस ऑफ स्टॉक से रिलेटेड पार्ट, दूसरा है लॉस ऑफ प्रॉफिट से जुड़ा हुआ पार्ट। अभी फिलहाल लॉस ऑफ स्टॉक की हम बात करेंगे। जब बिजनेस में कोई एक्सीडेंट होता है, लॉस बाय फायर उसकी वजह हो सकती है, उसकी वजह फ्लड हो सकती है, उसकी वजह अर्थक्वेक हो सकती है, उसकी वजह थेफ्ट भी हो सकती है। किसी वजह से अगर बिजनेस का स्टॉक लॉस्ट हो गया है और हमने बीमा करा रखा है तो हम बीमा कंपनी से उसका इंश्योरेंस क्लेम एडमिट कर सकते हैं। आज हम इसी की बात करेंगे। दूसरा पार्ट जो है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जिसमें है लॉस ऑफ प्रॉफिट, उसकी रिकवरी कैसे की जाती है। लॉस ऑफ प्रॉफिट उस सिचुएशन को वैसे इंडिकेट करता है जिसमें बिजनेस के अंदर हमारी सेल्स जो है वो इफेक्ट हो गई है किसी वजह से और हम, क्योंकि प्रॉफिट तो सेल्स से कमाते हैं इसलिए प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे, तो उसकी वजह से हम इंश्योरेंस कंपनी से कितना क्लेम कर पाएंगे उसकी बात होगी। खैर अभी लॉस ऑफ स्टॉक की बात कर लेते हैं कि इसमें आखिर हमें करना क्या होगा, कैसे हम अपने क्लेम की वैल्यू को जान सकेंगे। पहली बात, मैंने जब आपको फाइनल अकाउंट कराया था और जब मैंने आपको इन्वेंटरी वैल्यूएशन का कंसेप्ट बताया था तभी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था कि क्या वजह है कि हमारे ट्रैप बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक हमें देखने के लिए नहीं मिलता। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा फाइनल अकाउंट के जितने भी आपने क्वेश्चन किए ट्रैप बैलेंस के बाहर ही आपको नजर आया, ट्रैप बैलेंस के अंदर रेयरेस्ट सिचुएशंस के अंदर ही आपको नजर आया और उसका मैंने आपको कारण वहां पे बताया था। आज सबसे पहले उस कारण को एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ सके कि हम ये जो टॉपिक करेंगे जिसमें लॉस ऑफ स्टॉक की कैलकुलेशन है उसको वैसे ही क्यों करेंगे जैसा हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है उसकी हमारे पास डायरेक्ट अकाउंटिंग नहीं होती है। हम जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको फिजिकल वेरिफिकेशन से मेजर करते हैं और फिर उसके बाद हम फाइनल अकाउंट के लिए से यूज करते हैं, जिसकी वजह से ट्रैप बैलेंस के अंदर उसकी एंट्री नहीं आ पाती। हम बिजनेस में केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो कि रियलिटी में इवेंट्स होते हैं, जो कि रियलिटी में घटी हुई घटनाएं होती हैं, और जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो कोई घटी हुई घटना नहीं बल्कि घटी हुई घटनाओं का बैलेंस होता है। इस चीज को एक बार फिर से मैं एक एग्जांपल से बता देता हूँ कि से मैं अपने बिजनेस के अंदर 1,00,000 रुपए का स्टॉक खरीदता हूँ तो क्योंकि मैंने स्टॉक परचेज किया, गुड्स मैंने परचेज किया, ये एक इवेंट है और ये फाइनेंशियल इवेंट है इसलिए बुक्स ऑफ अकाउंट में इसे जरूर लिखा जाएगा और इसकी अगर जर्नल एंट्री बनाई जाए तो हमारी एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या सप्लायर, मैं अज्यूम कर लेता हूँ से कैश, और 1,00,000 रुपए का सामान जो है वो हमने खरीद लिया। 1,000 रुपए के अंदर 1,00,000 रुपए में जो पीसेस थे वो भी मैं लिख देता हूँ से 1,000 पीसेस हमने खरीदे। अब क्योंकि इवेंट थे हमने इसकी जर्नल एंट्री बनाई और जर्नल एंट्री बनने के कारण यहाँ पे परचेज का अकाउंट क्रिएट हो गया है इसलिए ये आपको ट्रैप बैलेंस में बिल्कुल नजर आएगा। फिर उसके बाद साल भर में हमने इसमें से 800 पीसेस बेच दिए, सेल कर दिए हमने। जब सेल करेंगे तो कस्टमर को या कैश को डेबिट करेंगे और हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और मैंने 800 पीसेस जो है वो सोल्ड कर दिए और हम कमाने के लिए बैठे हैं इसलिए महंगा बेचा हमने ये सामान 1,20,000 में बेच दिया। क्योंकि ये भी एक इवेंट थी मैंने इसकी भी जर्नल एंट्री बना दी और ट्रैप बैलेंस में एक न्यू अकाउंट क्रिएटेड मुझे नजर आएगा सेल्स का भी। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मेरे पास स्टॉक कितना है, ध्यान से समझ लेना क्योंकि जो बैलेंस मेरे पास बचा हुआ है कोई इवेंट नहीं है इसलिए उसकी कोई डायरेक्ट जर्नल एंट्री नहीं बन रही है। हमने सामान खरीदा हमने एंट्री बना दी, हमने सामान बेचा हमने एंट्री बना दी, लेकिन जो बैलेंस बचा हुआ है बैलेंस की तो कोई जर्नल एंट्री सीधी सीधी बनती नहीं है। आप याद करो जर्नल एंट्री के जितने भी आप क्वेश्चन करते हैं उसके अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनकी तो आप जर्नल एंट्री बनाते हैं लेकिन जो बैलेंस सीडी और जो बैलेंस बीडी बनता है उसकी आप सीधी सीधी कोई जर्नल एंट्री नहीं बनाते।
वो आप बैलेंस कैरी डाउन और उसके बाद ब्रॉड डाउन करके आप फॉरवर्ड कर देते हैं, लेकिन उसकी सीधी सीधी जर्नल एंट्री नहीं बनती। आप हर महीने टोटल करते हैं, हर महीने बैलेंस सीडी और बीडी बनाते हैं, लिखते हैं, लेकिन उसकी जर्नल एंट्री नहीं बनती, क्योंकि बैलेंस कोई इवेंट नहीं है, बैलेंस तो रेजिडुअल है। इसी वजह से ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारे को क्लोजिंग स्टॉक नजर नहीं आता, क्योंकि हम घटी हुई घटनाओं को लिखते हैं, परचेज लिख दिया, सेल लिख दिया, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक मिस हो जाता है। और हम क्लोजिंग स्टॉक की फिर वैल्यूएशन कैसे करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन हम अपने स्टॉक रजिस्टर से करते हैं, या फिर हम क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यूएशन है वो फिजिकल काउंट से करते हैं। हम जाके अपने ऑफिस में देखते हैं, अपने गोदाम में जाके देखते हैं कि हमारे पास जो स्टॉक पड़ा है उसकी कितनी क्वांटिटीज अवेलेबल है, और उन क्वांटिटी को ऐड करके हम क्लोजिंग स्टॉक बताते हैं। इसलिए वो सीधा सीधा बुक्स ऑफ अकाउंट में नजर नहीं आता, बल्कि बाद में अलग से एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में नजर आता है। और इसी चीज की कैलकुलेशन आज हमें करनी होगी, क्योंकि आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है लॉस ऑफ स्टॉक से जुड़ा हुआ। तो हमारा स्टॉक जो है वो लॉस्ट हो गया है, आपके कारण नुकसान हो सकता है, चोरी के कारण नुकसान हो सकता है, किसी एक्सीडेंट के या थेफ्ट के कारण भी नुकसान हो सकता है। और अगर आपका वो स्टॉक लॉस्ट हो गया, आपको स्टॉक की वैल्यू को नहीं पता, तो एक बहुत ही ज्यादा आसान प्रोसीजर से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वो जो आसान प्रोसीजर है वो हमने ऑलरेडी इन्वेंटरी वैल्यूएशन में सीखा हुआ है, लेकिन उसी को थोड़ा सा और अपग्रेड करते हुए और थोड़ा सा उसको ईजी करते हुए अब हम अपने स्टॉक की कैलकुलेशन करने के लिए एक ऐसा अकाउंट बनाएंगे जो कि ऑलरेडी हम बना चुके हैं और उसमें क्लोजिंग स्टॉक नजर आता था। कोई भी ऐसा अकाउंट जिसके अंदर वो फिगर नजर आती है जिसको हम जानना चाहते हैं, वो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप याद करें तो एक ट्रेडिंग अकाउंट आपका होता था, जहां पर आप क्लोजिंग स्टॉक को एक बार दिखाते थे, बाद में बैलेंस शीट में पोस्टिंग करते थे। तो अगर कभी आपको क्लोजिंग स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़े तो आप उसके लिए क्लोजिंग स्टॉक बना सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो आज हम जो स्टॉक की लॉस ऑफ स्टॉक की कैलकुलेशन करेंगे उसके अंदर थ्रू ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि हमारे पास फिजिकल रिकॉर्ड नहीं है, फिजिकल हमारे पास स्टॉक नहीं है, थ्रू ट्रेडिंग अकाउंट बना के हम एज ए बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करने वाले हैं। और ये सारा का सारा काम कैसे किया जाता है समझाने के लिए आपके नोट से एक क्वेश्चन में लेने वाला हूं। फर्स्ट क्वेश्चन से ही हम ये अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर लिखा है ए फायर अकर्ड इन द प्रीमाइसेस ऑफ ए मर्चेंट ऑन 15th जून 2017 एंड ए कंसिडरेबल पार्ट ऑफ स्टॉक वॉज डिस्ट्रॉयड। हमारी फैक्ट्री में, हमारी प्रमाइसिस में 15th ऑफ जून 2017 को आग लग जाती है और हमारे स्टॉक का एक पार्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। द वैल्यू ऑफ स्टॉक सेव्ड वाज रुपीज 12,000। जो सामान हमारे पास बच गया, आग के बाद हमने सामान जो बचा लिया उसकी वैल्यू है 12,000 रुपये। बुक्स डिस्क्लोज दैट ऑन 1st of April 2017 स्टॉक वाज वैल्यूड रुपीज 56,000। जब हमारा ईयर शुरू हुआ था तब हमारे पास स्टॉक 56,000 था, ऐसा हमारे को पिछले साल के फाइनल अकाउंट बता रहे हैं। तो बट छोटा सा एक आपको वर्किंग करनी है, जो लास्ट फाइनल अकाउंट आपने बनाया वहां से लेकर डेट ऑफ फायर तक का एक छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाना होगा। ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए क्योंकि स्टॉक की कैलकुलेशन ट्रेडिंग अकाउंट से ही हो पाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर स्टॉक क्रेडिट साइड में आता है। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए और इसी से मैं बाकी के जो छोटे छोटे कंसेप्ट इसमें यूज होने वाले हैं वो भी डिस्कस करूंगा, एक मैं इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाने वाला हूं। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे उसको नाम देंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट नाम क्यों दिया गया है, सीधा सीधा ट्रेडिंग अकाउंट नाम क्यों नहीं दिया गया, उसका कारण है, कारण यह कि रियलिटी में ये बिजनेस का फाइनल ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है। फाइनल ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तो ईयर एंड होने के बाद ही बनेगा। हम एक रफ टेम्परेरी ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं टू नो द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। तो इसीलिए क्योंकि हम ये फेयर नहीं बना रहे बल्कि एक रफ ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, और मैं बहुत पहले और कई बार आपको बता चुका हूं कि अकाउंट्स में कभी भी कोई रफ अकाउंट बनाया जाता है, ऐसा कोई अकाउंट बनाया जाता है जिसकी कोई विटेज ना हो, तो उसे मेमोरेंडम का नाम दे देते हैं। इसीलिए इसका नाम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट रखा गया है। अब इसके अंदर जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट नॉर्मल बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, और जो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर शो की जा सकती है उसे शो करेंगे। तो सबसे पहले इसमें पता चला कि जब ये ईयर शुरू हुआ था, अधूरा है जबकि हमारा ये ईयर 1 अप्रैल से शुरू हो गया था और 15 जून को आग लग गई, तो ये जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट है वो 1st of April to 15th of June है सिर्फ उसके ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करेगा, आगे पीछे के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेगा। और यहाँ पर सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टॉक का पता चल गया, जो ओपनिंग स्टॉक था वो था रुपीज 56,000 का।
फिर उसके बाद इसके अंदर लिख रहा है द परचेज टू द डेट ऑफ फर्स्ट अमाउंटिंग टू रुपीज 1,10,000. पहली तारीख से लेकर अब तक हमने 1,10,000 की परचेज कर लिया. परचेज में पता है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सेकेंड एंट्री होती है, तो यहाँ पे परचेज दिखा देते हैं जो कि 1,10,000 पे किया. उसके बाद लिखा है सेल रुपीज 1,80,000. सेल्स भी हमारी होगी, सेल्स हम क्रेडिट साइड में डालते हैं 1,80,000. बिल्कुल नॉर्मल हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है, कोई डिफरेंट वर्क मैं नहीं करने वाला हूँ. और उसके बाद लिखा हुआ है ऑन द इन्वेस्टिगेशन इट इज फाउंड दैट ड्यूरिंग द पास्ट 5 ईयर द एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल वाज 30%. हमने अपने पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को निकाला. ये हमें जब फ्यूचर में क्वेश्चन करेंगे तो ये काम खुद करना पड़ेगा, बट अभी क्वेश्चन में करके दे दिया गया है कि हमने पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड निकाला तो पता चला कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसे हम 30% प्रॉफिट ऑन सेल बेचते हैं. मतलब जो 100 रुपये का सामान होता तो उसके ऊपर 30 रुपये कमा लेते हैं. अब क्योंकि यहाँ पे हमें सेल्स का ऑलरेडी अमाउंट पता है, हम इसके बेसिस पर वो पास्ट एक्सपीरियंस परसेंटेज यूज़ करके ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं बिना क्लोजिंग स्टॉक जाने. और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट, कैलकुलेशन का तरीका भी लिख देते हैं. 1,80,000 की हमारी सेल है, अगर उसका 30% कर दें तो ये फिगर 54,000 हो जाएगी जो कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा. उसके बाद इसके अंदर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है वो पॉलिसी का अमाउंट बताया गया, उसकी हम बात थोड़ी देर में करते हैं. अब इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ हमारी मिसिंग रह गई है. अगर आप ध्यान से देखें तो ट्रेडिंग अकाउंट बिल्कुल अपने सही लुक में आ गया, और एक चीज़ जो क्लोजिंग स्टॉक होती थी वो हमें इस क्वेश्चन में नहीं पता. तो ये क्लोजिंग स्टॉक हम कैसे निकाल सकते हैं? अकाउंट्स में एक बड़ी यूजफुल प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं कि अगर कोई भी एक फिगर किसी भी अकाउंट में किसी भी स्टेटमेंट में मिसिंग है तो हमेशा बैलेंसिंग फिगर होती है. तो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे एज ए बैलेंसिंग फिगर. डेबिट का अगर टोटल देखें तो 56,000, फिर 1,10,000 और 54,000, 2,20,000 है. और ये हमें पता ही है कि अगर डेबिट का टोटल 2,20 है तो क्रेडिट का टोटल भी 2,20 होगा, और मिसिंग फिगर हमारे पास आ रही है ₹40,000. इसका मतलब जिस दिन हमारी फैक्ट्री में आग लगी या जो भी इसके अंदर मिस हैपनिंग हुई उस दिन हमारे पास 40,000 वैल्यू का स्टॉक था. मैं ध्यान रखना सारा सामान हमारा डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, इसमें हम सेल्वेज वैल्यू 12,000 रुपये की कलेक्ट कर पा रहे हैं, बचा लिया हमने सामान बाजार को. तो सामान हमारे पास 40 का था लेकिन लॉस 40 का नहीं होगा. अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं हम क्लेम कैसे कर पाएंगे. वैल्यू ऑफ क्लेम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास स्टॉक कितना था, वो हमने कैलकुलेट कर लिया स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर. जब आग लगी तो हमारे पास स्टॉक था 40,000 रुपए का, लेकिन सारा नुकसान नहीं हुआ, लेस कर देते हैं जो हमें सेल्वेज वैल्यू मिल गई है. 12,000 रुपए का सामान हमने बचा लिया, तो हमारा जो लॉस हुआ नेट लॉस हुआ वो हुआ है ₹28,000. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, अगर क्वेश्चन में कुछ और नहीं लिखा तो 28,000 रुपए का नुकसान हुआ और हम 28,000 रुपए का ही क्लेम कर डालेंगे. बट क्वेश्चन के अंदर एक बात और लिखी गई है, वो लिखा है द अमाउंट ऑफ द पॉलिसी वाज 30,000. हमने अपने स्टॉक का जो बीमा कराया है वो 30,000 का कराया है. ऐसे में आपको लग सकता है कि अरे सर 30,000 रुपए का बीमा कराया और हमारा नुकसान केवल 28,000 का हुआ, इसका मतलब हम पूरे के पूरे 28,000 रुपए का क्लेम एडमिट कर देंगे. अगर आप ऐसा सोचें तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं. इंश्योरेंस का जो क्लेम एडमिट होता है वो एवरेज क्लॉस बेसिस पर लगाया जाता है, अगर आपने फुली इंश्योरेंस अपने प्रोडक्ट का अपने स्टॉक का नहीं कराया. क्या है एवरेज क्लॉस और क्या है उसका कंसेप्ट पहले बारीकी से समझ लीजिए. हर इंश्योरेंस कंपनी चाहती है कि जो उसके क्लाइंट हैं जो उसके कस्टमर है वो टोटल वैल्यू का इंश्योरेंस कराएं, अगर वो टोटल सिक्योरिटी चाहते हैं. अगर आप पार्टली सिक्योरिटी चाहते हैं तो आप पार्टली इंश्योरेंस कराएं. अब यहाँ पर ऑन द डेट ऑफ फायर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑन द डेट ऑफ फायर हमारे पास जो स्टॉक था वो 40,000 का था, बट हमने जो बीमा कराया है वो केवल 30,000 का कराया है. हमारी अगर रेशो निकालें रेशो ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, तो वो रेशियो क्या निकलेगी. आपने 30,000 रुपए का बीमा कराया और 40,000 रुपए का स्टॉक था और ये 3:4 है,
अगर और सरल भाषा में बोलूं तो हमने जो बीमा कराया है वो 75% पोर्शन का कराया है। 3/4 अगर आप करें तो 75% पोर्शन का हमने बीमा कराया है। इसका ये मतलब निकलता है कि कुछ भी नुकसान होगा तो आपने बीमा कंपनी से केवल उसका 75% पोर्शन ही क्लेम करना है, 25% पोर्शन आप खुद झेल लेंगे ऐसा आप मान के चल रहे हैं। अगर आप आधी वैल्यू का इंश्योरेंस कराते तो जो भी नुकसान होगा, ये मत सोचिएगा कि नुकसान मेरा 1000 रुपए का होगा, बीमा मैंने 5000 का कराया तो 1000 रुपए ही मेरा एडमिट हो जाएगा। अगर आपने हाफ वैल्यू का इंश्योरेंस कराया तो 1000 का नुकसान होगा तो 500 का नुकसान होगा तो 250 का नुकसान होगा तो 125 ही आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी। जिस पोर्शन में आप इंश्योरेंस कराएंगे उतना ही पोर्शन आपका एडमिट होगा, बाकी पोर्शन आपको खुद फेस करना पड़ेगा। तो क्योंकि हमने यहां पर 30,000 रुपए का बीमा कराया 40 में से, 75% क्लेम हमारा जो भी नुकसान होगा 30,000 का होना जरूरी नहीं है, यहां पे नुकसान हमारा केवल 28 का हुआ है, लेकिन जो इंश्योरेंस क्लेम हमारा एडमिट हो जाएगा, इंश्योरेंस क्लेम वैल्यू जो होगी वो ₹28,000 मल्टीप्लाई बाय 75% या 3/4 करना पड़ेगा, या फिर आप इसे 30,000 एंड 40,000 पूरा भी लिख सकते हैं। और अगर कैलकुलेट करें तो जवाब आ जाएगा हमारा 21,000, जबकि बीमा 30,000 का है, नुकसान 28 का है, लेकिन हमारा क्लेम जो एडमिट हो जाएगा वो हो जाएगा 21,000। और ये तभी अप्लाई करना है अगर इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट कम हो। अगर इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ज्यादा की है तो कोई भी कंपनी आपको ज्यादा पेमेंट नहीं करेगी। वजह इसकी है, अगर ज्यादा पेमेंट करने लगे कंपनी, लोग कहने लगे कि हम तो अगर 40,000 का स्टॉक है तो 50,000 रुपए का बीमा करा देंगे तो आप ज्यादा क्लेम दोगे क्या? और अगर लोगों को ऐसे ज्यादा क्लेम मिलने लगे तो लोग तो खुद ही आग लगाएंगे क्योंकि उससे उनको प्रॉफिट होगा। इसलिए कभी भी इंश्योरेंस कंपनी एक्चुअल लॉस से ज्यादा लॉस नहीं एडमिट करती है। हाँ, अगर आपका बीमा कम किया हो, आपने बीमा पॉलिसी कम वैल्यू के लिए हो तो कम जरूर कर दिया जाता है, इन द रेशियो ऑफ पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर। जिस समय आपका नुकसान हुआ उस दिन आपके पास कितना स्टॉक था और आपने कितने का बीमा कराया, उस पोर्शन में उसे चेंज कर दिया था। क्लियर इतनी बात? दैट्स इट।